दोस्तों, इस वीडियो में आपसे कैंपस ब्रांड के इमिगो शूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। इनका मॉडल नंबर 11G163 है और ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किए थे। 700-800 के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएंगे सेल वगैरह में ऑनलाइन में, और 1000 से 800 के आसपास आपको ये ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। इनकी MRP 1250 रुपये है, लेकिन आपको ये 1000 में आराम से देखने को मिल जाएंगे। इन शूज़ को मैंने अक्टूबर 2021 में परचेज किया था और तब मैंने इन्हें रेगुलर यूज़ नहीं किया था, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं इन्हें रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और हफ्ते में 3 बार मिनिमम मेरा यूज़ है ही सही, हैवी यूज़, और मैं इन्हें जॉगिंग में यूज़ करता हूँ। तो अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। और इसमें मेश मटेरियल यूज़ किया गया है, देख सकते हैं आप, सोल क्वालिटी अच्छी है। इसमें हमें पिलो टाइप का फॉर्म देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फॉर्म का प्राइस के अकॉर्डिंग। शूज़ की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, आप रेगुलर यूज़ और स्पोर्ट यूज़ के लिए इजीली परचेज कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस सही रहेगा, आपको कोई निराशा नहीं होगी शूज़ को यूज़ करने में। और अभी इस शूज़ की जो कंडीशन है वो आगे आपको मैं फोटो में बताने वाला हूँ। अभी भी कंडीशन अच्छी है, शूज़ डैमेज नहीं हुआ है और अच्छे से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। और मैं अलग अलग ब्रांड के अलग अलग टाइप के शूज़ यूज़ करता रहता हूँ, तो 4-5 तरह के शूज़ में मैं रिप्लेस करता रहता हूँ शूज़ को, तो रेगुलरली मैं सिंगल शूज़ को यूज़ नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे शूज़ की कंडीशन लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होती है। अगर आप सिंगल शूज़ को कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो फिर इसकी लाइफ आपको कम देखने को मिलेगी, वो आपके यूज पैटर्न पर डिपेंड करता है। और अगर आप ये शूज़ परचेज करना चाहते हैं या इस टाइप की कैटेगरी का शूज़ परचेज करना चाहते हैं, तो मैं आपको अमेजोन के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उनसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे बेस्ट सेलर और बेस्ट फीडबैक वाली ही प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और जो नहीं आप यही सेम प्रोडक्ट परचेज करें, आप अपना यूजेज रिक्वायरमेंट देखें उसी के बाद प्रोडक्ट परचेज करें, ताकि आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। अगर आप इस टाइप का शूज़ परचेज कर रहे हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।